नमस्कार, आदाब। ये कपड़ा जो मैंने पहना है, ये जो भगवा रंग है, कभी इस देश में या ऊपर वाले की बनाई हुई एक धरती पर सूफी संत जैसे महात्मा लोग पहना करते थे। आप सारों ने पहाड़ों के जिगर चीर दिए, हौसला चाहिए चट्टान से टकराने का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आदाब। ये कपड़ा जो मैंने पहना है, ये जो भगवा रंग है, कभी इस देश में या ऊपर वाले की बनाई हुई एक धरती पर सूफी संत जैसे महात्मा लोग पहना करते थे, मगर अब ये कपड़ा मुझे छोड़कर बहुत से अधर्मी लोग भी पहनने लगे हैं, जो कहीं ना कहीं इंसानियत के दुश्मन हैं। और ये लोग पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल, बात करेंगे कारगिल विजय दिवस की। कहने को तो एक छोटा सा नाम है कारगिल। मैं कारगिल गया था, इसलिए आज कारगिल की पूरी वो कहानी जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, उस पर बात करेंगे। आज 26 जुलाई 2022 है। घटना शुरू होती है 14 जुलाई 1999। भिवंडी शहर से 5 लोग, मैं खुद, मेरे एक दोस्त जाहिद मुख्तार, खालिद इरफान, तेज प्रकाश सैनी और निहाल अंसारी, ये 5 लोग भिवंडी शहर से कारगिल तक का वो सफ़र कर चुके हैं। असल में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से कारगिल 2950 किलोमीटर की दूरी पर आता है, और भिवंडी की अगर बात करेंगे तो यही 50 किलोमीटर कम हो जाता है, और भिवंडी शहर से कारगिल वो गांव 2900 किलोमीटर हो जाता है। सवेरे तैयारी हुई, और ख़ास बात कि उस वक्त भिवंडी शहर के पुलिस उपायुक्त थे VN जाधव। उनकी तरफ से हमें एक पत्र भी मिला था और ये सफ़र शुरू हुआ था। साथ में हमारी गाड़ी के 2 लोग और थे जो ड्राइवर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, सिद्दीक मोमिन गैबी नगर से और अयाज अंसारी, वो भी गैबी नगर से। इस तरह से 7 लोगों का काफिला, जिसमें 5 लोग कारगिल के सफ़र पर और 2 ड्राइवर। आगे बढ़ते हैं, और रास्ते में जगह जगह इस्तकबाल बताएंगे कि आज भिवंडी शहर में कई जगह इस्तकबाल भी किया गया। देखिए, आज जो है कारगिल का जो मामला हुआ था, उसका आज विजय दिवस है। तो विजय दिवस के रूप में हमारे भिवंडी शहर से करीब 4 से 5 लोग कारगिल गए हुए थे, जिसमें हमारे अजीज दोस्त फखरे आलम साहब हैं। तो इसके वजह से आज हमने इस कारगिल दिवस के मौके पर इन्हें बहुत बहुत हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं कि ये वहाँ गए, और वहाँ के जो भी हमारे जवान शहीद हुए थे, हम सब उनको बहुत बहुत आज इस विजय दिवस के मौके पर सबको श्रद्धांजलि देते हैं। आप सारों ने पहाड़ों के जिगर चीर दिए, हौसला चाहिए चट्टान से टकराने का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। असल में है क्या, जम्मू कश्मीर का एक इलाका, जब आप श्रीनगर जाएंगे तो श्रीनगर से करीब 260 किलोमीटर की दूरी पर आता है कारगिल गांव। कारगिल ये जो गांव है, एक ज़िला है। जैसे आप मान लें कि भिवंडी शहर ठाणे ज़िले में आता है, तो इसी तरह से कारगिल जो गांव है, उसके हद में दरास, टाइगर हिल, इस तरह की जो जगह हैं, और ये बहुत मशहूर जगह हैं, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा जो हमला किया गया था कबाइलियों के भेस में, हालांकि वो पाकिस्तानी आर्मी के लोग थे, उनके ज़रिए जो हमला किया गया था और कारगिल को कट करने की जो कोशिश की गई थी, तो ये कारगिल ज़िले में आता है। कारगिल गांव से आगे जाएंगे तो लेह और लद्दाख का इलाका आता है, और कारगिल गांव से जब आप बाईं तरफ देखेंगे तो जेहलम नदी से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर भी आता है। बहरहाल, हमारा ये सफ़र भिवंडी से शुरू हुआ था, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब होते हुए लाखनपुर बॉर्डर, जो जम्मू कश्मीर और पंजाब का बॉर्डर आता है। जम्मू कश्मीर की ये जो सीमा है, ये जो बॉर्डर है लाखनपुर,
यहाँ से हमारा सफर बड़ी लंबी है, यूट्यूब पर उसको इतना नहीं चलाया जा सकता। बहरहाल लखनपुर की बात करते हैं, लखनपुर से आगे बढ़े और श्रीनगर आया। श्रीनगर जब हम पहुँचे तो रात में 2 बज रहा था, और श्रीनगर का वो जो चौक है वहाँ पर ऐसे बहुत से लोग मौजूद थे जो शिकारा भाड़े पर यानी किराए पर देते हैं। शिकारा मतलब एक नाव होती है कश्मीर में, उसको शिकारा कहते हैं, जो डल झील में बड़ी मशहूर झील है उसमें ये रहता है, और एकदम शाही घर जैसा दिखाई देता है, ये शिकारा है। हम लोग शिकारे की वो हालत कि 2000 रुपये में यानी 1999 में 2000 रुपये में शिकारा हमें 24 घंटे के लिए मिला, और खाना भी 7 बजे हमने फिर सफ़र शुरू किया अपना सामान शिकारे में छोड़कर कारगिल के लिए। श्रीनगर से कारगिल ये जो गांव है तकरीबन 260 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहीं से हमारा असली सफ़र शुरू हुआ, क्योंकि यहां इंसानों की मुलाकात तो थी मगर ये सब के सब इंसान फौजी जवान की सूरत में थे। आम इंसान का इस इलाके से गुजर भी होना मुश्किल था, क्योंकि जंग ज़्यादा ये इलाका था। और आखिरी सोनमर्ग एक जगह आई, बड़ी मशहूर जगह है, लोग जब कश्मीर घूमने जाते हैं तो यहाँ भी जाते हैं। सोनमर्ग में आर्मी की चेक पोस्ट पर जब हमसे लिखवाया गया कि यहाँ से आगे आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं, यहाँ से आगे भारत सरकार की कोई अपनी मर्जी नहीं है, कोई परमिशन नहीं है, ना ही यहाँ मौजूद आर्मी की तरफ से कोई जिम्मेदारी है, ना ही जम्मू कश्मीर सरकार की कोई जिम्मेदारी है, और ना ही जम्मू कश्मीर पुलिस की कोई जिम्मेदारी है। सिग्नेचर करके दस्तखत करके फॉर्म दे दिए गए। अब यहाँ से आगे हमारी जिम्मेदारियाँ शुरू होती हैं, क्योंकि आगे का इलाका सोनमर्ग से जब आप आगे जाएंगे तो कुछ दूर जाने के बाद बाएं हाथ पर एक रास्ता कटता है, यही अमरनाथ को जाता है। सफ़र चलता रहा और रात में तकरीबन 8 बज गए, और हम कारगिल उस गांव तक पहुंच गए जहां से पाकिस्तान की सीमा लगभग 50 किलोमीटर है। कारगिल वो गांव देखा हमने, और कारगिल में पार्ले बिस्किट भी खाने को मिल गया एक किराने की दुकान से। मकसद ये था कि कारगिल पहुंचे तो कुछ यहां से खाया जाए, मगर इस दौरान जो कुछ देखने को मिला, कहने को तो एक छोटा सा सेंटेंस है कारगिल, मगर श्रीनगर से कारगिल तक का 260 किलोमीटर का ये जो सफ़र था ये कितना ख़तरनाक था मैं बताता हूँ। आमतौर से जम्मू कश्मीर में जो लोग गए हैं या जो लोग घटनाएं सुनते हैं तो वहाँ फायरिंग बड़ी जल्दी होती है। फायरिंग करने वाले जो लोग होते हैं आमतौर से फौज के ड्रेस में होते हैं। आर्मी के जवान, बीएसएफ के या जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान होते हैं उन्हीं में वैसी ड्रेस में वहाँ जो आतंकवादी हैं वो भी होते हैं, इसलिए समझ में नहीं आता कि असली है या नकली, और इसी में लोगों की जान जाती है। बस सबसे पहले जो आज कारगिल दिवस के मौके पे फखर आलम भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये एक फख्र की बात है कि भिवंडी शहर से उस मौके पे गए जब जंग चल रही थी, उसके बाद मतलब जंग जब ख़त्म हुई आते आते जब यहाँ आए तो जंग का मामला ख़त्म हो गया, मतलब जीत हो गई हमारे हिंदुस्तान की। क्या कहना चाहिए, आज आपने सामाजिक संस्था जो जिजाऊ संस्था है उनकी तरफ से इनका इस्तकबाल किया, क्यों किया, इसके बारे में डिटेल बताइए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज कारगिल विजय दिवस है, हमारे भिवंडी शहर से 1919 में हमारे फखरे आलम सर और उनके 5 साथी कारगिल के युद्ध के दौरान भिवंडी शहर से वो लोग 4-व्हीलर पे गए थे, और वो लोग सही सलामत आज ही के दिन, वो इतना बड़ा वहाँ पर वॉर हो रहा था फिर भी सही सलामत वो वापस लौट के आज ही के दिन आए, और आज ही कारगिल विजय दिवस भी रहा। तो इस शुभ अवसर पर जिजाऊ संस्था की ओर से आज फखरे आलम सर का जिजाऊ संस्था की ओर से सत्कार किया गया। बात करते हैं द्रास की। जम्मू कश्मीर से द्रास का वो रास्ता जो टाइगर हिल होते हुए कारगिल गांव जाता है, द्रास के इस इलाके में
फौजियों का जो जमावड़ा, जो कैंप, वो सब, मगर हम आ चुके थे उस इलाके में जहाँ से अब पूरी पूरी जिम्मेदारी हमारी है, यहाँ सरकार की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद फिर टाइगर हिल का वो हिस्सा आता है जिसके ठीक पीछे पाकिस्तान का बॉर्डर का इलाका आता है, वही लगभग 50 किलोमीटर। असल में होता ये है, ये जो टाइगर हिल है इसकी ऊंचाई तकरीबन 1400 फीट की मानी जाती है। 1400 फीट की ऊंचाई पहाड़ की, और वो भी जम्मू कश्मीर में जहाँ मौसम आम तौर से ठंडा ही होता है। वहाँ जो जवान हमें मिले थे उस वक्त, उसने भिवंडी शहर से लगकर 38 किलोमीटर की दूरी पर शाहपुर का भी एक फौजी जवान हमें द्रास में मिला था। जो भी बातें जवानों से होती थी, उन बातों को अगर देखा जाए तो ये जो लोग हैं, चाहे कबायलियों के ड्रेस में या आर्मी के ड्रेस में, ये जो टाइगर हिल पर चढ़े थे, आम तौर से ठंडियों में हमारे जो जवान हैं वो नीचे उतर जाते हैं भारतीय सीमा में, और वो पोस्ट उस पर जो है ही हथियार होते हैं वो ऊपर छोड़ कर उतरते हैं, लाइट मशीन गन वगैरह जो होती है वो लेकर उतर जाते हैं। इन्हीं हथियारों पर पीछे से पाकिस्तानी सेना ने कब्जा जमाया और फायरिंग शुरू कर दी के इस इलाके से आगे कारगिल जाने का रास्ता ही बंद हो गया। बहरहाल भारतीय कमांडोस, भारतीय सैनिकों ने मिलकर जब इस अभियान को चलाया, तब जाकर 1400 फीट की ऊंचाई पर टाइगर हिल पर कब्जा हुआ। और कब्जा करना ये कोई इतना आसान काम तो नहीं है, हमारे न जाने कितने जवान यहाँ शहीद भी हुए। बड़ी बात यह है कि टाइगर हिल का जो ये इलाका है और द्रास का इलाका है, यहीं से जहलम नदी घूमते घूमते कारगिल गांव होकर पाकिस्तान की तरफ निकल जाती है। और कारगिल की जो घटना है, इस तरह की घटनाएं हमारी दूसरी सीमाओं पर भी चुटपुट चलते रहती है, मगर कारगिल की घटना ये बड़ी घटना थी। और इसमें एक तोप का मामला भी आता है, बोफर्स तोप, ये बड़ी विवादित तोप रही। इसमें सरकारों पर कमीशन लेने का आरोप भी लगा, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और जब कारगिल हुआ तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। बहरहाल जो भी हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, मगर टाइगर हिल पर भी कब्जा हुआ, द्रास पर भी हुआ, और कारगिल का वो जो गांव जहां से इंडियन आर्मी या जाने वाले सिविलियंस को पाकिस्तान का बॉर्डर दिखाई देता, ये सब कब्जा हुआ। सवाल उठता है कि हमारे जवान, यानी जो फौजी जवान हैं जो 1400 फीट की ऊंचाई पर ड्यूटी करते हैं, तो उन्हें वो साधु सामान क्यों नहीं दिया जाता कि ठंडी के उस मौसम में जहां तापमान जीरो हो जाता है। मेरे कुछ फौजियों से उस वक्त बात हुई थी तो उनका ऐसा मानना था कि हमारे पास इतनी ठंडी, यानी इतनी ऊंचाई पर जो ठंडी लगती है उससे बचने के लिए हमारे पास उतने सामान नहीं होते। तो उन्होंने मिसाल दिया था कि अगर गन पॉइंट पर हम हाथ रखते हैं और अंगली अगर इस तरह से रहे तो थोड़ी देर में ऐसी ही हो जाती है, फिर उसको हिट देकर सीधी करनी पड़ती है। तो हमारे जो जवान हैं उन्हें इस तरह की जो ज़रूरतें हैं क्यों नहीं दी जाती। और देश के अंदर कभी इस्लाम खतरे में है, कभी मुसलमान खतरे में है, कभी हिंदू खतरे में है, कभी सिख खतरे में है, और कभी जैन खतरे में है। तो ये अंदर जो खेल चल रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे फौजियों का भी मन टूटता है। बहरहाल आइए हम सब मिलकर आने वाले 15 अगस्त को शपथ लें कि हमारे देश की एकता बनी रहेगी। मैं सुल्तान कुरैशी के साथ खान फख्र आलम। तो हम आज बात कर लेते हैं कारगिल दिवस की। जी हाँ, आज पूरे देश में कारगिल दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर भिवंडी इससे क्यों चूके, इसलिए हमने भिवंडी में भी कारगिल दिवस मनाया है। और इस कारगिल दिवस के मौके पर हमने उन तमाम लोगों का इस्तकबाल किया जो कारगिल जाके आ चुके हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा खान फख्रे आलम और उनकी पूरी टीम का, जो कारगिल के वक्त वहाँ पर पहुँचे थे और वहाँ पहुँचकर उन्होंने उस नज़ारे को पूरी अपनी आँखों से देखा और वहाँ पर क्या क्या हुआ उन्होंने अपनी विस्तार से पूरी कहानी एक किताबचा पर लिख कर बताई थी। और उसी चीज़ को आज जो है हम पूरी भिवंडी शहर में दोबारा दोहरा रहे हैं और इस बात को जो जो लोग जानते हैं उन तमाम लोगों ने जो है खान फख्रे आलम साहब और उनके तमाम टीम का स्वागत किया है। ये सबसे भाईजान ढाबे की ओर चलते हैं जहां पर वहां के मालकान ने जो है खान फख्र आलम साहब का इस्तकबाल किया।